डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 12th में हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ रहे थे। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ आईयूपीएसी नाम रहे या फिर उसका पहचानने का नियम रहे, कीटोन का आईयूपीएसी नाम रहे, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है, सीखा है। चलिए उसके बाद अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पहले एल्डिहाइड के गुण के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे एल्डिहाइड की अभिक्रिया। ठीक है, ये हम लोग टॉपिक बनाएंगे एल्डिहाइड की अभिक्रिया। अब एल्डिहाइड की अभिक्रिया में हम लोग सीखेंगे कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया क्या क्या होता है, किसके किसके साथ कराने पर क्या क्या बनता है। ठीक है, तो पहला लिखा जाए हाइड्रोसायनिक अम्ल। अब आपको याद होना चाहिए हाइड्रोसायनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो HCN होता है, HCN के साथ, HCN के साथ। देख पा रहे होंगे हाइड्रोसायनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, HCN होता है। इसके साथ अगर हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएंगे बनेगा, तो इसके नीचे लिखेंगे जब एल्डिहाइड को हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब एल्डिहाइड को हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो साइनोहाइड्रिक का निर्माण होता है। अब साइनोहाइड्रिक क्या है पहले लिख लीजिए, साइनोहाइड्रिक का निर्माण होता है। देखिए साइनोहाइड्रिक किसको कहेंगे, जस्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग रूल लिखेंगे इसके नीचे रूल, RULE। रूल क्या बोलता है कि कोई भी एल्डिहाइड रहे दोस्तों, और एल्डिहाइड का फार्मूला क्या, कार्बोनिल मूलक रहे और इस कार्बोनिल मूलक से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहे और दूसरा R जुड़ा रहे, R मतलब कार्बन का चैन, तभी ना इसको एल्डिहाइड कहते हैं। इस एल्डिहाइड को हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना होगा, यानी कि HCN के साथ, तब हम लोगों को निर्माण। इसको देखिए क्या बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN। इसका जो फार्मूला होता है HCN होता है, और जब इसको एल्डिहाइड को HCN के साथ कराएंगे तो साइनोहाइड्रिक। अब ये साइनोहाइड्रिक क्या है, तो ये जो कार्बन है इसी कार्बन से एक तरफ CN जुड़ेगा, ये CN एक तरफ CN जुड़ जाएगा और दूसरे तरफ O और H, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल मूलक वाला ऑक्सीजन और H यानी कि OH जिसको हाइड्रोक्सिल बोलते हैं OH, और एक तरफ नीचे वाला H रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा और ये R रहेगा ही रहेगा दोस्तों। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिक, इसको पढ़ते हैं साइनोहाइड्रिक। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल ऐसे है, जैसे मान लिया कि ये कार्बोनिल मूलक है, अब यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एल्डिहाइड हो गया ये, और इसको हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग रिएक्शन करेंगे वो क्या होगा, तो कार्बन के साथ साइनो जुड़ जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर H और यहाँ पे
ये ऊपर CH3, तो CH3 जुड़ जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे कि इसी को हम लोग साइनोहाइड्रिक अम्ल बोलते हैं, साइनोहाइड्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आर कुछ भी रहेगा, ये आर हो गया ना कार्बन का चैन, यहाँ आर कुछ भी रहेगा, इसको अगर हाइड्रोसाइनिक अम्ल के साथ कराएंगे तो ये आर यहाँ पे जुड़ जाएगा, जितना कार्बन चैन रहेगा वही जुड़ जाएगा, बस सबका सब वही रहेगा। चलिए, तो ये पहला रिएक्शन था। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरा रिएक्शन का नाम है सोडियम बाइसल्फाइट के साथ, सोडियम सोडियम बाई सल्फाइट, इसका फार्मूला होता है NaHSO3, NaHSO3 के साथ। ठीक है, तो दूसरा वाला में हम क्या देखें कि सोडियम बाइसल्फाइट के साथ जब रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, तो क्या क्या होगा। तो सोडियम बाइसल्फाइट के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं, उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे जब एल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो सोडियम बाइसल्फाइट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक का निर्माण होता है। सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक का निर्माण होता है, सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक का निर्माण होता है, सोडियम बाइसल्फाइट यौगिक का निर्माण होता है। अब देख लेते हैं इसके भी रूल्स हैं, क्या क्या रूल्स बोल रहा है। तो रूल्स बोल रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड मतलब एक कार्बोनिल मूलक हो गया, ये हो गया आर, ये एल्डिहाइड, और किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड मतलब NaHSO3, ये हुआ सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड के यौगिक का निर्माण होगा, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक तरफ कार्बन है, बीच में कार्बन दे दिया, एक तरफ नीचे एच जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे एच जुड़ेगा, ऊपर में आर है, यानी कि कार्बोनिल मूलक आर जोड़ देंगे, कार्बन बनेंगे कार्बन का चैन, और ओ और एच ये वाला, जैसे वहाँ ओ और एच हाइड्रोक्सिल ऊपर हो रहा था ना, ऊपर OH, बाकी क्या क्या बच जाएगा, NaSO3, तो नीचे आ जाएगा NaSO3। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक, यानी कि ये जो यौगिक बन रहा है इसका स्पेशल कुछ नाम नहीं है, बशर्ते इसको सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक के नाम से जाना जाता है। तो सोडियम बाइसल्फाइट के यौगिक का निर्माण होता है, ये एक रूल्स बोला। अब इस एग्जाम्पल पे हम लोग कुछ भी ला सकते हैं, जैसे यह एक एल्डिहाइड हो गया, देख पा रहे होंगे ये एल्डिहाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, क्यों, क्योंकि एक तरफ ये कार्बन का चैन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बोनिल मूलक के साथ। इसके साथ अब हम लोग किसका रिएक्शन कराएंगे, सोडियम बाइसल्फाइट, ये तो हो गया हम लोगों का एल्डिहाइड, सोडियम बाइसल्फाइट यानी कि NaHSO3। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा बहुत सिंपल है, आप ये वाला जो कार्बोनिल मूलक वाला जो कार्बन है इसको आप यहाँ पे लिखिए कार्बन। ठीक है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जोड़ दीजिए, और दूसरे तरफ PC प्रिंसिपल चैन जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा, CH2 CH3। ठीक है, जोड़ दिए, और ये अब इसके एक तरफ क्या जुड़ेगा, तो OH, और दूसरे तरफ NaSO3। ठीक है, देख पा रहे होंगे यही जो हम लोगों का बना वो सोडिया हाइड्रोसल्फाइड, सॉरी सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड
का यौगिक बना, ठीक है। देख पा रहे होंगे कि सोडियम सल्फाइड का जो यौगिक है वो किसके कब बन रहा है, जब एल्डिहाइड को सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल सॉरी दूसरा अभिक्रिया था। अब हम लोग आइए पढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया पे, जिसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तीसरा लिखा जाए, तीसरा अभिक्रिया, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हाइड्रोक्सिल एमीन किसको कहते हैं, तो NH2OH, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। इसका फार्मूला क्या होता है, NH2OH, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल एमीन यानी कि NH2OH के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो ये हम लोगों को तीसरा है कि अगर एल्डिहाइड को किसके साथ, तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। इसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे जब एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ऑक्सीन का निर्माण होता है, ऑक्सीन का निर्माण होता है। चलिए अब रहा बात कि आपको प्रॉब्लम होगा कि सर ऑक्सीन किसको कहते हैं, ऑक्सीन का फार्मूला क्या है। तो देख लो भाई, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिएक्शंस को ना याद रखना पड़ता है और दूसरी तरफ आपको फार्मूला भी याद होना चाहिए। तो चलिए इसका रूल्स पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई एल्डिहाइड है, जैसे मान लिया कि ये हम लोगों को एल्डिहाइड है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ R, जब इसको हम लोग हाइड्रोक्सिलेमिन का मतलब NH2OH, ये हुआ हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ अगर रिएक्शन कराता है तो क्या क्या बनता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को बनेगा वो एक तरफ कार्बन से H और R तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, नो डाउट। अब इसके साथ हम लोगों को डबल बॉन्ड के साथ NOH जुड़ता है और इसी को बोलते हैं दोस्त ऑक्सीन। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीन। और हम लोगों को यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ से ऑक्सीन किसको कहते हैं, तो कार्बन से एक R जुड़ा हुआ है और एक H जुड़ा हुआ है, NOH जुड़ता है जब इसी कार्बन से, तब हम इसको ऑक्सीन कहते हैं। और ये वाटर तो बाहर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं ज़्यादा, तो ऑक्सीन। और ऑक्सीन बनता कब है ये याद रखना होगा कि ये रहा हम लोगों का एल्डिहाइड और ये रहा हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीन बनता है, ठीक है। चलिए फिर से नेक्स्ट यानी कि नंबर फोर, चौथे अभिक्रिया। अच्छा इसका एग्जांपल देख लेते भाई, एग्जांपल जैसे मान लिया कि C4H9 है और एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। अब तो पता चल रहा ना ये एल्डिहाइड है कि नहीं, इधर हो गया कार्बन का चैन, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन का चैन, अगर जुड़ा रहता है तो एल्डिहाइड कहलाता है। ये रहा एल्डिहाइड और इस एल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH के साथ अगर रिएक्शन कराना होता है तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो जुड़ा हुआ है ऊपर वही लिख देंगे C4H9, और एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो यहाँ हो गया हाइड्रोजन। और दूसरे तरफ क्या जुड़ा हुआ है, तो दूसरे तरफ अगर इसको NOH जोड़ दें डबल बॉन्ड करके NOH, तब पर भी ये ऑक्सीन का ही एटम्स कहलाएगा, ऑक्सीन ही बनेगा और हमेशा H2O बाहर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा कब, जब
हाइड्रोक्सिल एमीन का रिएक्शन कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभिक्रिया नंबर 4, हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन, अब हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है, H2N NH2। ये देखिए बॉन्ड है, ये क्या है, बॉन्ड है। तो हाइड्राजीन का फार्मूला क्या, H2N NH2 के साथ, यानी कि हाइड्राजीन के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोगों को क्या बनता है। चलिए लिखेंगे उसके नीचे, जब एल्डिहाइड को हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो हाइड्राजोन का निर्माण होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आसान भी रहेगा याद करने में। हाइड्राजोन याद रखिएगा, जब कोई भी एल्डिहाइड रहे और उस एल्डिहाइड को अगर हाइड्राजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है, हाइड्राजोन। अब देखते हैं कि हाइड्राजोन क्या होता है, इसके पहले रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स क्या बोलता है। तो रूल बोलता है कि कोई भी एल्डिहाइड, दैट इज एच एंड दैट इज आर, ठीक है, ये क्या है एल्डिहाइड, इसके साथ अगर हाइड्राजीन का अभिक्रिया कराएंगे, हाइड्राजीन मतलब H2N NH2, ठीक है, ये हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या क्या बनेगा जरा देख लीजिए। तो सिंपल वे में वही कार्बन, वही R जो यहाँ पे जुड़ा रहता है, वही H, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ से N और NH2 एक साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लिया NH2 डबल था ना, तो एक NH2 रहेगा ही रहेगा, एक का सिंगल नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ता है और वाटर बाहर होता है। तो इस स्थिति को हम इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राजोन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लिया कि ये कार्बोनिल मूलक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ C3H7 है, यह एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड को दोस्तों अगर हाइड्राजीन के साथ कराएं, यानी कि हाइड्राजीन मतलब H2N NH2, तो क्या क्या बनेगा, तो हम बता चुके हैं। इस कार्बोनिल मूलक को लिख लीजिए, ऊपर जो जुड़ा हुआ है, ऊपर क्या जुड़ा है C3H7, नीचे क्या जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, नीचे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जब जो भी जोड़ेंगे तो एक नाइट्रोजन और एक एमीन NH2, इसको अगर जोड़ेंगे तब ये क्या कहलाएगा, हाइड्राजोन, और प्लस में बाहर क्या होगा H2O। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि हम लोग एल्डिहाइड के अभिक्रिया को देखें कि हर तरीके से, जब इसको हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजोन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, और वही नहीं अगर हाइड्रोसाइनाइड अम्ल HCN के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, इतनी सारी रिएक्शंस को हम लोग देखें। चलिए एक रिएक्शंस और देख लेते हैं, ये चार नंबर है ना, तो पांचवें नंबर अभिक्रिया, पांचवें नंबर हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ लिखा जाए जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कराया जाता है तो
प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है, प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए इसके लिए रूल्स देख लेते हैं। अब की बार बोल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन कभी भी अकेला एच नहीं रहता है, वो कभी ना कभी हमेशा H2 के फॉर्म में रहता है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी एल्डिहाइड ले लो भाई, ये हम लोग एल्डिहाइड ले लिए, ऊपर R हो गया और नीचे H हो गया, ये एल्डिहाइड, और हम लोग हाइड्रोजन के साथ यानी कि H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो बन रहा होगा C, R और H, ठीक है, ये बन रहा होगा, और एक अल्कोहल बन रहा OH, और एक दूसरे तरफ भी हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन और OH बिल्कुल फिक्स है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि ये प्राइमरी एमीन बना, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल का मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, इसी को ना बोलते हैं, आपको पढ़ाए होंगे प्राइमरी एल्केन्स अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सियरी अल्कोहल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब OH एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो वो हो गया प्राइमरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। अब जैसे कि देख पा रहे होंगे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, एक कार्बोनिल मूलक है, एक हाइड्रोजन है, एक C2H5 है। अब इसको हम लोग कराना होगा H2 से, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, तो क्या बनेगा। यहाँ पे ये का जो कार्बन है, कार्बन लिखिए, एक तरफ R और एक तरफ H का वैसे ही वैसे, यानी कि C2H5, ठीक है। जब उसको हाइड्रोजन के साथ H2 के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा था, तब सब चीज लोगों ने सेम लिखा, यानी कि COH, H और H2O। तो इस तरीके से दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लिखा जाए नेक्स्ट टॉपिक, कीटोन का निर्माण। टॉपिक लिखेंगे कीटोन का निर्माण, यानी कीटोन का निर्माण कैसे होता है, और इसमें भी सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे, कीटोन के निर्माण से लेकर उसका गुण, अभिक्रिया, उपयोग, विशेषताएं, सब चीज़ के बारे में। तो क्या लिखे हम लोग टॉपिक, कीटोन के निर्माण, ठीक है। तो कीटोन के निर्माण में यानी हम लोग यहाँ पे स्पष्ट है कि कीटोन कैसे बनाया जाता है। सिंपल वे में बात करें तो कीटोन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें जो है कीटोन जो है दो तरीके से मुख्य रूप से बनाए जाते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट एरो देंगे इस टॉपिक के अंदर, फर्स्ट एरो, कीटोन का निर्माण मुख्यतः कीटोन का निर्माण मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है, दो तरीकों से किया जाता है। पहला पहला लिखेंगे, जब सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में, कॉपर यानी कि CU, कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर अभिक्रिया कराया जाए तो उच्च ताप पर अभिक्रिया कराया जाए तो कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। चलिए अभी हम लोग क्या देखें कि कीटोन का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो
कीटोन के निर्माण में आपको याद रखना पड़ेगा कि कीटोन का निर्माण का मुख्य रूप से दो तरीका है। पहला तरीका ये कि जब सेकेंडरी अल्कोहल, अब सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या देख लीजिए, सेकेंडरी अल्कोहल उसको कहते हैं जो OH वाला जो कार्बन है वो दो गो कार्बन से जुड़ा रहे। OH वाला जो कार्बन है उस पर बैठिए और वो जो कार्बन हुआ दो कार्बन से अगर जुड़ रहा है तब उसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, CH2, CH3, यह सेकेंडरी अल्कोहल है और इस सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना है। और उच्च ताप का मतलब कितना केल्विन, 573 केल्विन, लगभग 573 केल्विन, तब हम लोगों को क्या बनता है, कीटोन बनता है। देखिए कैसे कीटोन, तो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, CH2 CH3 और प्लस H2O, इसी को हम लोग कीटोन की कैटेगरी में बांटते हैं क्योंकि कार्बोनिल मूलक से दोनों तरफ क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है। तो हम लोग देख पा रहे होंगे कि कीटोन जो बनाया जाता है वो दो तरीक़ों से बनाया जाता है, जिसमें पहला ये है कि कॉपर की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म कीजिए, यानी कि कॉपर की उपस्थिति में हाई टेम्परेचर, यानी कि 573 केल्विन लगभग, तो हम लोगों का कीटोन बनता है और वाटर बाहर होता है। चलिए अब दूसरा प्रोसेस पे चलते हैं, प्रोसेस नंबर टू। दूसरा प्रोसेस, जब एल्काइन को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जब एल्काइन को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कीटोन का निर्माण होता है, कीटोन का निर्माण होता है। देख लीजिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा तरीका किससे हम लोग बना सकते हैं, कोई भी एल्काइन से, यानी कि एल्काइन और जल को मिलाकर हम लोग बना सकते हैं क्या, कीटोन। अब एल्काइन का एग्जांपल CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन हुआ। क्यों एल्काइन हुआ भाई, क्योंकि ये एल्काइन के कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसी को हम लोग एल्काइन बोल सकते हैं। हालांकि इसका नाम तो टोटली क्या है, प्रोपाइन, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपाइन, हालांकि ये एल्काइन की कैटेगरीज में है। जब इसको वाटर के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हम लोगों को ऐसे बनता है, एक कार्बोनिल बन जाता है और दोनों तरफ CH3 CH3 बन जाता है, और इसी को हम लोग कीटोन का नाम दे देते हैं। कीटोन की कैटेगरीज में आ जाता है क्योंकि ये कार्बोनिल मूलक है और दोनों तरफ चेन जुड़ा हुआ है, और जब दोनों तरफ अगर चेन जुड़ता है तो उसी को ना हम लोग कहते हैं कीटोन। क्योंकि कीटोन और एल्डिहाइड में क्या अंतर है, तो बस थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा अंतर है, एल्डिहाइड वाले में एक हाइड्रोजन रहेगा लेकिन कीटोन वाला में दोनों ही आपको क्या रहेगा, कार्बन का चेन यानी कि R जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था कीटोन का हम लोगों का अभिक्रिया। तो अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कीटोन के गुण कौन कौन से हैं और हमें उसको क्या समझना है, और फिर अगर समझ जाएंगे तो फिर कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।